उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की जानकारी पर भाजपा सदर विधायक योगेश वर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सदर कोतवाली के अंदर जमीन पर बैठकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। मनाने के बाद उठे विधायक, सूचना पर भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोतवाली में विधायक के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही एसपी संजीव सुमन कोतवाली पहुंचे। एसपी संजीव सुमन ने सदर विधायक और जिला अध्यक्ष से वार्ता की और दोषी सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। सिपाही पर हुई कार्रवाई के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। तब तक भारी संख्या में पुलिस बल कोतवाली में मौजूद रहा, वहीं अफरा तफरी मची रही। मुझे पहले भाजपा कार्यकर्ता कुछ आए थे यहाँ पर, दो पक्षों को पकड़ के लाया गया था। दोनों पक्ष आपस में ही अपने हवालात में लड़ लिए दोनों पक्ष, तो उस पर थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अभी मैं आया यहाँ पे, सब लोग जिलाध्यक्ष जी भी थे, विधायक जी भी थे, सभी लोगों से वार्ता हो गई है। एक सिपाही उसका दोष पाया गया, उसको निलंबित किया गया है और अब कोई छोटा सा विवाद नहीं है, सब लोग समझ गए हैं। हमारी आपस की वार्ता वो क्लियर है, कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हो गया। थैंक यू।